हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी हम लोग का रह गया था, रिलायबिलिटी तक हम लोग बात कर चुके थे। तो इसमें मेनली ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, लेकिन एक स्लाइड आपके लिए वैलिडिटी के लिए ये जानना जरूरी है कि वैलिडिटी क्या है, तभी हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझ पाएंगे। ओके, तो वैलिडिटी क्या है? बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि बहुत कुछ मिलता जुलता है इसमें। इसलिए आप ध्यान देते हुए चलिएगा, और खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो पहले सुन लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, और अब बुक से पढ़कर अपने डाउट्स क्लियर करिए, और तब क्वेरी अपनी पूछिए जो आपको न समझ में आया। तो वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी एक्सप्लेन्स हाउ वेल द कलेक्टेड डेटा कवर्स द एक्चुअल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समझ में आई बात? मतलब वो कह रहा है कि वैधता जो है वो ये व्याख्या करती है कि जिस जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एक्चुअल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कितनी बेहतर तरीके से कवर करता है। ठीक, ये इसी बात को दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं, जो मोस्ट पॉपुलरली वैलिडिटी जिस नाम से जानी जाती है, जिस डेफिनेशन से जानी जाती है, वो है वैलिडिटी बेसिकली मीन्स मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। यानी कि वैधता क्या है? वैधता वह मापन है जो कि वो चीज मापे जिसको मापने के लिए वो बनाया गया है। सीधी सी बात कि अगर आप प्रेशर कुकर लाते हैं, प्रेशर कुकर में आप खाना पकाने के लिए, दाल जल्दी पकाने के लिए, खाना जल्दी पकाने के लिए लाते हैं, और उससे खाना देरी से पक रहा है, तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या था? कि खाना जल्दी पके, और खाना जल्दी नहीं पक रहा है, इसलिए इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। अब तो जैसे आपके मोबाइल में आता है ना, मोबाइल की वैधता इतने दिन तक रहेगी, इसका मतलब उस टाइम पीरियड के बाद मोबाइल आपका वो काम नहीं करेगा जिस काम को करने के लिए वो बनाया गया है। इसका मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उस टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो बात समझ में आई वैलिडिटी क्या है? कि वैलिडिटी वो है, पहली बात, जो कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारा जो डेटा है वो कवर करता है, जो कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जो चीज नापनी है उसको कितने बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है, या ये वो वही चीज नापे जिसको नापने के लिए उसको बनाया गया है। सिंपल साधारण सी बात है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेन टाइप्स। देखिए, आपको कई जगह कई तरीके के क्लासिफिकेशन मिलेंगे, कहीं थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है, पर मेनली ये चार टाइप आप जान लीजिए तो आप टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझ जाएंगे। तो वैलिडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेन टाइप्स व्हिच हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। यानी कि चार मुख्य प्रकार हैं जो बाद में भी अन्य उप प्रकारों में बांटे गए हैं। देखिए, अच्छा ये नहीं गया। तो वैलिडिटी के चार मुख्य प्रकार कौन से हैं? ये देखिए, फेस, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरिया। ओके, और कंस्ट्रक्ट फिर से बढ़ जाता है किसमें? कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट में। उसी तरह से क्राइटेरिया फिर से किसमें बढ़ जाता है? प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट और पोस्ट डिक्टिव। देखिए, पोस्ट डिक्टिव है जनरली आपको नहीं मिलेगा बुक्स में, जनरली हम लोग बहुत दिनों तक प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट ही पढ़ते आए हैं, लेकिन पोस्ट डिक्टिव भी एक टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया है। तो मेनली वैलिडिटी क्या होगी? फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। समझ में आएगा? अच्छा, कहीं कहीं आपको क्या क्लासिफिकेशन मिलेगा? हो सकता है फेस ना मिले, यहीं से शुरू किया हो, कंटेंट और कंस्ट्रक्ट नाम से ना मिले, कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट मिल जाए, क्राइटेरिया नाम से ना मिले, प्रिडिक्टिव कॉन्करेंट मिल जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चार मेन टाइप है और ये इनके सब टाइप्स। ठीक, तो अब एक एक को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या? फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या कह रहा है? देखिए, आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि फेस वैलिडिटी क्या है, कि मतलब आमुख वैधता कहते हैं इसको हिंदी में, कि आप उसका फेस देखकर क्या जज कर रहे हैं कि आपको वो वैलिड लग रहा है कि नहीं। दैट्स इट, इसमें कोई स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये सबसे कमजोर टाइप की वैलिडिटी कहलाई जाती है। और कई बार तो स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम वैलिडिटी को डिफाइन करें तो ये वैलिडिटी का टाइप है ही नहीं, लेकिन जल्दी के लिए कभी या कभी आप को उतना स्ट्रिक्ट मेजरमेंट नहीं है तो आप फेस वैलिडिटी से शुरुआत कर सकते हैं, एटलीस्ट काम चला सकते हैं। ठीक, तो जानिए क्या है ये? इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट ऑन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? सब्जेक्टिव जजमेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैंने कहा हो कि इसमें फेस वैलिडिटी है तो आप भी कहें फेस वैलिडिटी है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। किसमें? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट, मतलब कि कोई भी कंस्ट्रक्ट है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, कोई भी कंस्ट्रक्ट है, तो ऑपरेशनलाइजेशन से क्या मतलब है कि वो संक्रियात्मक रूप में क्या है।
कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब अगर हमने कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया तो हम उसमें इंटेलिजेंस का कौन सा, हम जी को मेजर कर रहे हैं, हम एस फैक्टर को मेजर कर रहे हैं, हम उसका कोई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मेजर कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से, यानी कि हमारे क्वेश्चनेयर का, हमारे सर्वे का, हमारे टेस्ट का में वो ऑपरेशनल लाइजेशन किस तरीके से हुआ है उस कंस्ट्रक्ट का, ये बात ध्यान देने वाली थी। तो कह रहे हैं कि किसको फेल कहते हैं कि फेस वैलिडिटी है, ए टेस्ट हैज फेस वैलिडिटी इफ इट्स कंटेंट सिंपली लुक्स रेलेवेंट टू द पर्सन टेकिंग द टेस्ट। सबसे और बड़ी और खास और साधारण बात इसकी क्या है, खास भी है साधारण भी है, क्या कि फेस वैलिडिटी आप कह सकते हैं किसी टेस्ट में है अगर आपको सिंपली देखने से लग रहा है ये टेस्ट रेलेवेंट लग रहा है जो कि पर्सन उसको करने जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंस का टेस्ट आप पर अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें आपको सवाल मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, कुछ हमने नेचुरलिस्टिक मतलब जितने भी आपके इंटेलिजेंस टाइप्स आप पढ़ते हैं ना, कौन सा वाला गार्डनर्स अप्रोच में उस वो सारे कवर कर रहा है, आर्टिस्टिक एबिलिटी के सवाल हैं या काइनेस्थेटिक एबिलिटी के हैं या और सिंबॉलिक हैं, तो वो जो भी इंटेलिजेंस के जितने डायमेंशंस को कवर कर रहा है अगर वो देखने से लग रहा है कि हाँ उस तरीके के हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ देखने से तो लग रहा है कि इसकी फेस वैलिडिटी है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की टेस्टिंग हो रही है और उसमें सवाल है कि आपको ये रुचिकर लगता है कि नहीं, आपकी रुचि किसमें है, आप एटीट्यूड तो एटीट्यूड नाप रहा है कि इंटरेस्ट नाप रहा है इस तरीके का अगर है तो आपको देखते ही कह देंगे कि नहीं नहीं इसकी फेस वैलिडिटी नहीं है, मतलब फेस से ही देखने पर पता चल रहा है कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं। ठीक, अच्छा और स्पष्ट हो जाएगा आगे क्या, इट इवेल्युएट्स द अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनेयर इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी, रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग एंड द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। यानी कि क्वेश्चनेयर को किन किन बातों पर, किन किन आयामों पर आप मूल्यांकन करेंगे, उसका फिजिबल है कि नहीं, रेडिबल है कि नहीं, पढ़ने योग्य है कि नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल यानी कि जो स्टाइल टेस्ट मेकर ने, टेस्ट कंस्ट्रक्टर ने यूज किया है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं उसने साधारण शब्द पूछ रहे वाक्य पूछे कहीं वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, कहीं वो बिल्कुल ही स्टाइल उसकी चेंज हो जा रही है, यानी कि स्टाइल में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग उसकी होनी चाहिए एंड द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज मतलब जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है आइटम्स में उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अस्पष्ट भाषा होगी तो वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि उसको क्या हल करना है और अपने आप वो रिजल्ट गलत आके टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, फेस वैलिडिटी रिफर्स टू रिसर्चर्स सब्जेक्टिव असेसमेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड रेलेवेंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज टू वेदर द आइटम्स इन द इंस्ट्रूमेंट अपीयर टू बी रेलेवेंट, रीजनेबल, अनएम्बिगुअस एंड क्लियर। मतलब कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो आइटम है वही बात जो ऊपर कही है कि रेलेवेंट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस मतलब उसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर, जैसे कि क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज और क्लियर बात वही है, बस ये इन महोदय की डेफिनेशन है इसलिए इसका अलग महत्व है और मैंने आपको बता दिया। ठीक, और लास्ट में क्या है, इट इज आर्ग्यूएबली द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। जैसे कि आप आगे वैलिडिटी के टाइप्स देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सबसे कमजोर तरीके की वैधता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए आप फेस वैलिडिटी से काम चला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कंटेंट वैलिडिटी की। कंटेंट वैलिडिटी ये क्या कह रहे हैं, देखो वैलिडिटी तो सारी है, सब मतलब टाइप्स तो वैलिडिटी के ही है, इसका मतलब कि इसका मेन थीम क्या है कि वही चीज नापे जिसको नापने के लिए बनाया गया है। अब कंटेंट वैलिडिटी में कंटेंट वही चीज नापे जिसको नापने के लिए बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कंस्ट्रक्ट वही चीज वही मेजर निकल के आए जैसा दूसरे असेसमेंट टेस्ट उसका मेजर कर रहे हैं, और उसी तरह से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है कि कोई एक सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसका सेमनेस आनी चाहिए, है ना। तो कंटेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, कंटेंट क्या कह रहा है कि द डिग्री टू विच आइटम्स इन एन इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट द कंटेंट यूनिवर्स टू विच द इंस्ट्रूमेंट विल बी जनरलाइज्ड। मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो आइटम्स हैं वो उसी कंटेंट को रिफ्लेक्ट करें जिस कंटेंट को नापने के लिए उसको बनाया गया है, और उस सीमा तक रिफ्लेक्ट करें ताकि आप उसको जनरलाइज कर सकें, सामान्यित कर सकें, मतलब पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सके। ठीक, इसी को थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन ऑफ ए न्यू सर्वे इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर, क्या चीज ये इंश्योर करता है, दैट इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स दैट आर एसेंशियल एंड इलिमिनेट्स अनडिजायरेबल आइटम्स टू ए पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट डोमेन। यानी कि सारे वो आइटम जो कि एसेंशियल है उस कंटेंट के लिए वो उसमें होने चाहिए,
एंड इलिमिनेट्स अनडिजायरेबल आइटम्स, और एक भी अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय आइटम का मतलब प्रश्नों से है इसमें, उसमें नहीं होना चाहिए, वो इलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए उसकी मेकिंग में, उसके वैलिडेशन में, जो कि एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट डोमेन को नाप रहा है। यानी कि कंटेंट वैलिडिटी तब होगी जब उसमें सारे रेलेवेंट आइटम होंगे, और एक भी इररेलेवेंट या अनडिजायरेबल आइटम अगर है तो आपको उसको इलिमिनेट करना होगा, ठीक। और कंटेंट वैलिडिटी का कोई सब टाइप नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी में कंस्ट्रक्ट का मतलब जैसे इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, पर्सनैलिटी एक कंस्ट्रक्ट है, एप्टीट्यूड एक कंस्ट्रक्ट है, इंटरेस्ट एक कंस्ट्रक्ट है। तो हम वैलिडिटी के टर्म्स में देखेंगे कि वो उस कंस्ट्रक्ट को कितनी बेहतर तरीके से नाप रहा है जिस कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, ठीक। तो इसमें पहली बात क्या कह रहा है कि इट रिफर्स टू हाउ यू ट्रांसलेटेड और ट्रांसफॉर्म्ड अ कंसेप्ट आइडिया और बिहेवियर दैट इज ए कंस्ट्रक्ट इनटू ए फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग रियलिटी द ऑपरेशनलाइजेशन। जो पहले आपसे बात कही, मतलब ये चेक करता है कि जो भी कंसेप्ट हम लेकर चले, इंटेलिजेंस का हमने लिया एग्जांपल, तो इंटेलिजेंस से ही बात करते हैं कि जो भी हम कंसेप्ट लेकर चले, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लेकर चले, उसको हमने कितनी बेहतर तरीके से एक कार्यात्मक या संक्रियात्मक यथार्थ के रूप में परिवर्तित किया है, यही नापता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कितनी बेहतर है, हाउ यू ट्रांसलेटेड और ट्रांसफॉर्म अ कंसेप्ट आइडिया और बिहेवियर दैट इज ए कंस्ट्रक्ट इनटू ए फंक्शनिंग रियलिटी, ठीक। इसके दो सब टाइप्स है, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट का देखो, हम लोग कन्वर्जेंट पहले भी कहां पढ़ चुके हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ चुके हैं क्रिएटिविटी में, है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि दो चीजें एक ही तरफ जा रही है, इसका मतलब कि दो चीजें एक दूसरे से मिल रही हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप समझते हैं, विभेद करना, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि उन दोनों में अंतर है। तो ये इसलिए आपको बताया कि आपको इसकी डेफिनेशन याद करने में सहायता होगी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी सिर्फ ये बात कहती है कि इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच टू मेजर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट थियोरिटिकली शुड बी रिलेटेड आर इन फैक्ट रिलेटेड। मतलब कन्वर्जेंट वैलिडिटी उसको कहते हैं जब हमको लगता है कि कोई भी कंस्ट्रक्ट है उसके जो दो मेजर है वो अगर हमको लग रहा है कि थ्योरी मतलब हमने उसकी थ्योरी, हमने उसके बारे में टेक्स्ट ऐसा पढ़ रखा है कि हमको लगता है कि वो आपस में संबंधित होने चाहिए, तो वो वाकई आपस में संबंधित होते हैं। टू मेजर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट थ्योरेटिकली शुड बी रिलेटेड आर इन फैक्ट रिलेटेड, इतनी सी बात। और डिस्क्रिमिनेंट पे इसका उल्टा है, वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट में कहता है कि जो टू मेजर्स हैं वो अनरिलेटेड है, और कन्वर्जेंट में कह रहा है रिलेटेड है, इतनी सी बात आपको समझनी है। इसी को भाषा चेंज करके लिख दिया है, इट इज द एक्सटेंट टू विच लेटेंट वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल का मतलब है सुप्त जो वेरिएबल है, जो सामने से पता नहीं चल रहा है कि वो वेरिएबल है, और ए लेटेंट वेरिएबल ए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेट्स फ्रॉम अदर लेटेंट वेरिएबल्स। यानी कि जो एक लेटेंट वेरिएबल ए है वो दूसरे लेटेंट वेरिएबल से डिस्क्रिमिनेट करता है, विभेद करता है। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी में क्या कहते हैं कि वो रिलेटेड है, इतना अंतर है। इसी को फिर से मैंने उसी तरह से लिख दिया, और टू मेजर्स ऑफ ए कंस्ट्रक्ट आर अनरिलेटेड, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कन्वर्जेंट में रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेंट में अनरिलेटेड, ठीक। अच्छा, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है, क्राइटेरिया मतलब मापदंड। यानी हमको किसी मापदंड के अगेंस्ट सारी चीजें देखनी है कि वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहली लाइन, सबसे पहला वाक्य जिसमें आपको समझ में आना चाहिए, वो क्या है, इट इज द एक्सटेंट टू विच ए मेजर इज रिलेटेड टू एन आउटकम। यानी कि यहाँ पे हम लोग आउटकम की बात कर रहे थे, जबकि पीछे किसी भी टाइप में हमने आउटकम की बात नहीं की है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ए टेस्ट हैज दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इफ इट इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस और बिहेवियर इन अनदर सिचुएशन। यानी कि इस तरीके की वैधता वहां होती है जहां पर कोई टेस्ट हम किसी पर अप्लाई करें और हम ये बता सकें, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये प्राक कथन हम कर सकें कि वो भविष्य में या किसी दूसरी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस शो करेगा, तो इसको क्राइटेरिया वैलिडिटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मास सिलेक्शन करना है, किसी आर्मी में करना है, बैंक पर्सनल का करना है, टीचर का करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एज्यूम करिए, तो अगर हमको इस तरह का, तो हमको कौन से टेस्ट लगाने पड़ेंगे जहाँ पे क्राइटेरिया वैलिडिटी वाले, और हम उसको छोटी एज में लगा सकते हैं, हाई स्कूल पास बच्चे, इंटर पास बच्चे, ग्रेजुएट बच्चों पर, ग्रेजुएट बच्चों पर ठीक रहेगा, ग्रेजुएट बच्चों पर आपको टेस्ट लगा के देख लीजिए, तो आपको क्राइटेरिया वैलिडिटी मतलब वो शो कर रहा है कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये बता रही है कि ही कैन बी अ टीचर, ही और शी कैन बी अ गुड टीचर,
तो इसका मतलब कि उसमें वो टीचर बेहतर बन सकता है, मतलब कि जो टीचर बनने के जो गुण हैं उनका मापन करेगा। तो इसमें प्रिडिक्टिव का मतलब यही है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा करेगा इसमें, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। फिर क्या कह रहे हैं कि हमने इसको तीन टाइप्स में बांट दिया, प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट और पोस्टडिक्टिव। तो प्रिडिक्टिव पर हमने बता ही दिया कि भविष्य कथन है, भविष्यवाणी है, बताना है कि हम भविष्य में कैसा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं इसको, द सर्वे इज प्रिडिक्टिवली वैलिड इफ द टेस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट व्हाट इट इज सपोज्ड टू प्रिडिक्ट। समझे कि तब उस सर्वे को कहा जाएगा कि वो प्रिडिक्टिवली वैलिड है अगर वो एक्चुअली एक्यूरेटली वो चीज प्रिडिक्ट करते जो उसको नापने के, जो प्रिडिक्ट करने के लिए उसको बनाया गया है। द एबिलिटी ऑफ वन असेसमेंट टूल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस आइदर इन सम एक्टिविटी और ऑन अनदर असेसमेंट ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, है ना, प्रिडिक्ट फ्यूचर, ये इसका मेन जिस्ट है। इट कंपेयर्स टेस्ट स्कोर्स टू परफॉर्मेंस ऑन सम अदर मेजर इन द फ्यूचर। हमारे टेस्ट स्कोर को फ्यूचर के हमारे किसी मेजर के परफॉर्मेंस के टेस्ट स्कोर से ये कंपेयर करता है और बताता है कि लगभग हम ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की खास बात है। ठीक है, तो दो रह गए कौन कौन से, कॉन्करेंट और पोस्टडिक्टिव। ठीक, कॉन्करेंट देख लीजिए। कॉन्करेंट क्या है, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टेस्ट और मेजरमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दोज ऑफ ए प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड मेजरमेंट फॉर द सेम कंस्ट्रक्ट। या हम इसको ऐसे भी साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो हमको फ्यूचर रेफरेंस के लिए है और कॉन्करेंट वैलिडिटी प्रेजेंट रेफरेंस के लिए और पोस्ट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पास्ट रेफरेंस के लिए। सिंपल ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि भाषा कई बार ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच दिस स्कोर्स ऑन ए मेजरमेंट आर रिलेटेड टू अदर स्कोर्स ऑन अदर मेजरमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एज वैलिड, है ना। यानी कि उस सीमा तक ये बताता है कि जो हमारा मेजरमेंट है, हमारा मेजरिंग टूल है, उसमें जो स्कोर्स आया आर रिलेटेड टू अदर स्कोर्स, वो अदर स्कोर्स से रिलेटेड होता है। किन अदर स्कोर्स से, जो कि ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एज वैलिड, जो कि किसी दूसरे मेजरिंग टूल पे वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया जा चुका है क्योंकि वो वैध है, उसके संग अपना कंपेरिजन करता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब वो किसी फ्यूचर हमारे रेफरेंस में बताता है वो टेस्ट कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे, कॉन्करेंट प्रेजेंट सिचुएशन बताता है हम कैसा किसी दूसरे मेजरिंग टूल के संग कंपेरिजन हो सकता है हमारे स्कोर का, और पोस्टडिक्टिव पास्ट की चीज है। क्या कह रही है ये, कि फॉर दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी द क्राइटेरिया इज इन द पास्ट, यानी कि हमारा मापदंड कहाँ है, भूतकाल में। दैट इज द क्राइटेरिया वॉज एडमिनिस्टर्ड इन द पास्ट, इट इज ए फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस्ड वैलिडिटी दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री टू विच दिस स्कोर्स ऑन ए गिवन टेस्ट आर रिलेटेड टू दिस स्कोर्स ऑन अनदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट और क्राइटेरिया एडमिनिस्टर्ड एट ए प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। यानी कि भूतकाल में किसी मेजरिंग टूल से जो किसी आउटकम के अगेंस्ट हमने कोई क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर दिया, अगर उसके संग हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पोस्टडिक्टिव वैलिडिटी। अगर किसी फ्यूचर रेफरेंस में कर रहे हैं तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, और किसी प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हैं तो वो कॉन्करेंट वैलिडिटी। ठीक है, और मेनली वैलिडिटी क्या है, वही नापे जो नापने के लिए बनाई है। नापना क्या है, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट क्या, कंस्ट्रक्ट क्या कहता है कि हमने किसी कंस्ट्रक्ट को कितनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर दिया है ऑपरेशनलाइजिंग रियलिटी में। ओके, तो आई थिंक कि आपको कुछ हद तक वैलिडिटी क्लियर हो गई होगी, और तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ेंगे। खुद पढ़कर दिमाग में सोचिए कि कंटेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है, कैसे कंटेंट और कंस्ट्रक्ट अलग है, कंस्ट्रक्ट कॉन्करेंट से कैसे अलग है, तभी समझ में आएगा जब आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। Okay, done.